नमस्कार। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। देश के दूरदर्शी एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। आपको G20, नए संसद भवन एवं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए हार्दिक आभार। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 11 राज्यों में संचालित होने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ के अवसर पर विभिन्न राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े आदरणीय महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्रीगण, अन्य अतिथिगण और आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। और अब आज के शुभ अवसर पर मैं माननीय केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय रेल मंत्री जी। नमस्कार। G20 के सफल आयोजन से भारत को विश्व बंधु के रूप में स्थापित करने और नारी शक्ति वंदन अधिनियम से बहनों माताओं को 33% आरक्षण देने वाले हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज आपका इस वंदे भारत कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देश के 9 राज्यों में उपस्थित माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, सांसदगण एवं बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों का स्वागत अभिनंदन है। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे सिस्टम में अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन किया है। याद कीजिए, 10 वर्ष पहले स्टेशनों की क्या हालत होती थी। आज स्टेशन साफ सुथरे हैं, नई नई सुविधाएं, लिफ्ट, एस्केलेटर, फुट ओवर ब्रिज इत्यादि तेजी से इंस्टॉल किए जा रहे हैं। देश भर में स्टेशनों की पुरानी व्यवस्था को बदलकर आज की और भविष्य की जरूरतों के अनुसार नव निर्माण किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन की कुछ ही महीनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशन का भूमि पूजन किया था। आज इनमें तेजी से 300 स्टेशनों पर काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व का और विजन का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहां देश को डीजल के भार से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2014 से रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पर बहुत जोर दिया। जहां 2014 से पहले 40 वर्षों में करीब 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, वहीं पिछले 9 वर्षों में 37,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। यानी जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क से भी ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये एक बहुत उपयोगी और बहुत बड़ा आर्थिक प्रगति का एक नया मॉडल है। जैसे जैसे रेलवे अधिक यात्री और सामान ट्रांसपोर्ट करेगी, वैसे वैसे भारत की डीजल और पेट्रोल पे निर्भरता कम होगी। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। क्योंकि आज रेलवे को प्रधानमंत्री जी ने करीब करीब पूरी रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन यानी बिजली पे पूरी तरह से शिफ्ट कर लिया है। तो यात्री और सामान के ट्रांसपोर्टेशन में डीजल का उपयोग ना होके बिजली का उपयोग होगा। आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी हमेशा 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लेके हर कार्यक्रम को हाथ में लेते हैं। तो इस संकल्प से, इलेक्ट्रिफिकेशन से, नई तकनीक की वंदे भारत ट्रेन से, जिस तरह से मिडिल क्लासेस को सुविधा मिलेगी, यात्रियों को सुविधा मिलेगी और रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाने से जिस तरह से सामान और यात्री ज्यादा से ज्यादा रेलवे की तरफ शिफ्ट होंगे, इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी रेलवे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस दूरदर्शी नेतृत्व और विकसित भारत के संकल्प को एक बार फिर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आप इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।